Good afternoon, 10th class. How are you, everyone? Hope so you all are good. So now I am continuing the chapter, the resources and the development. Kal humne padha tha, what are the resources? And hamara jo last topic tha, that is the classification of the resources. So we have discussed about that there is the classification of the resources on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership, and on the basis of national resources and international resources, and on the basis of the status and development. So the first topic, on the basis of origin, biotic resources, these are obtained from biosphere and have life such as human being. Jaisa ki aapko pata, biotic means the thing which is having a life, jisme kahin life exist karti hai, like your human being, flora and fauna, fisheries and livestock. There is a one new word, that is your flora and fauna. You are very familiar with this word, flora. Flora means vegetation and the fauna means wildlife, fisheries and livestock. Jitni bhi jeevit cheeze hain, biotic resources hain, these are on the basis of origin. Ki inki utpatti kaise hui hai, ye kis tarah se utpann hue hain. Our biotic resources, all those things which are composed on non-living thing. यानी कि जो अजीवित हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं है, जैसे आपके रॉक्स और मेटल्स. रॉक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, लाइक मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल. दीज आर द अबायोटिक रिसोर्सेज. द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितने रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं ज़्यादा यूज़ करने पर, और कितने ऐसे हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जिन्हें रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू. दैट इज़ द रिन्यूएबल. द न्यू वर्ड इज गिवन देयर, रिप्लानिशेबल, जिनको आप दोबारा बना सकते हैं. आपको पता है सूरज जो आपको सन रेज देता है, जिससे आप सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हवा जिससे आप विंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ. सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्ट, विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट, विच कैन नॉट बी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं. ये हम इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. इनको हम आगे भी यूज़ करते हैं. इसको अगर हम आगे दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस और फ्लो, जैसे लगातार बहना, हवा बह रही है, पानी बह रहा है, सूरज की रोशनी लगातार आपको मिल रही है. सो दैट इज़ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम? आपको पता है कि आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये ऐसे ही नहीं बने. अगर आप चाहें कि आज अगर आप फॉसिल फ्यूल बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है फॉसिल फ्यूल का बनाना. इसके लिए बहुत लंबा, बहुत टाइम पीरियड लगता है. आज से कितने हज़ार साल पहले कहा जाता है, जब डायनासोर का पीरियड था, डायनासोर्स जब थे, या हम उससे भी पहले की पीरियड की बात करते हैं, तो हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा हीट है. ये हीट कहाँ से है? आपकी अर्थ के नीचे सारा इतना मोल्टन मैग्मा है, लावा है, या आपकी ज़मीन के नीचे इतनी गर्मी है, आपका कोर का टेम्परेचर इतना हाई है, क्यों है? ये जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये आपके अर्थ के प्रोसेस से बनते हैं. अर्थ के नीचे जितनी भी आपकी गैसेज हैं, वो सब आपकी मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं. ये काफ़ी समय लेते हैं, मिलेनियर्स, इनको बहुत समय लगता है. अगर आपका हिमालय आज का बना हुआ है, तो हिमालय आज का नहीं बना हुआ, इसको भी नियर अबाउट थाउजेंड ईयर्स बिफोर हमारा ये हिमालय बना. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आते हैं मेटल्स. तो मेटल्स आर रिसाइकलेबल, बट सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. तो कई चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो रिन्यूएबल हैं, जो आप रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कई मेटल्स या कई मिनरल्स या कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं. इट विल टेक लॉन्ग टाइम. अगर आपने उसे एक बार यूज़ कर लिया, वो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा वो आपको नहीं मिलेंगे. तभी आज हम कहते हैं ना कि आप पेट्रोल को कम से कम यूज़ करो, क्योंकि पेट्रोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल. इसको आप अगर इतना कर रहे हैं यूज, आज एक घर में हर एक के पास अपनी अपनी ओन एक्टिवा और बाइक्स हैं, सबके पास अपने अपने व्हीकल्स हैं, सो पीपल आर नॉट रेडी टू गो ऑन देयर फुट. अपने पैरों पे जाने को तैयार नहीं है, वो कैसे जा रहे हैं?
बाइक्स और एक्टिवा मीन्स अगर इतना पेट्रोल यूज़ होता रहेगा तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई लैंड, दिस इज़ माई मॉल, दिस इज़ माई प्लेस, तो ये इंडिविजुअल. देर आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल, जो एक पर्टिकुलर अंडरलाइन दिस वर्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल. मैनी फार्मर्स ओन लैंड, हर एक किसान की एक अपनी ज़मीन होती है जो किसान को सरकार द्वारा दी जाती है. सरकार उसके ऊपर उसका रेवेन्यू भी लेती है. इन विलेजेस देर आर पीपल विद द लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस. कई किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं और कई किसान ऐसे जो ज़मीन के बिना हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं. अर्बन पीपल दे हैव देयर ओन फार्म हाउस, दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड, वाटर एंड वेल. कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि हमारा एक फार्म हाउस है, हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है. सो दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, सो दे आर अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो उसके खुद उसके ओनर हैं. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं कि आपने सुना होगा कि ये जो मॉल है ये पर्टिकुलर एक पर्सन का है, ये जो होटल है एक पर्टिकुलर पर्सन का है. तो दैट इज़ द इंडिविजुअल. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जो कम्युनिटी जिसको यूज़ कर सकती है, आप सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. दे आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेम्बर ऑफ द कम्युनिटी. आपकी सोसाइटी, आपके सहारनपुर में जितने भी लोग हैं वो लोग उस पर्टिकुलर प्लेस को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका बरियल ग्राउंड हो, चाहे वो ग्रेजिंग ग्राउंड हो, विलेजेस पॉन्ड हो, या पब्लिक पार्क हो, पिकनिक स्पॉट हो. पब्लिक पार्क आपका एक एग्जाम्पल आता है, आपका गांधी पार्क, आपका कंपनी गार्डन, दीज आर योर पब्लिक ग्राउंड, प्ले ग्राउंड. आप अंबेडकर स्टेडियम जाते हैं तो नो वन विल आस्क कि आपके नहीं है, आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना, कोई आपको मना नहीं करेगा. दीज आर एक्चुअली द पब्लिक सेक्टर, ये आपकी कम्युनिटी में आते हैं. द न्यू वर्ड इज़ देयर, दैट इज़ द कम्युनिटी. द नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. वैसे तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब नेशन को बिलोंग करते हैं. द कंट्री हैज़ लीगल पार्ट्स उनको एक्वायर करें. जैसे कि आज एग्जांपल आपको देते हैं कि कोरोना के महामारी के चलते समय इतना ज़्यादा वायरस है इस समय आपकी एनवायरनमेंट में, आपकी सोसाइटी में, एवरीवन इज़ वरीड अबाउट. सो सरकार ने लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए बड़े बड़े होटल्स को, उनके सत्संग भवन को जिनको ये अपना बताते हैं, या उनके जो स्कूल्स हैं प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी स्कूल्स हैं, उन सबको उन्होंने पब्लिक के सर्विसेज के लिए यूज़ किया है. तो इट मींस टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब किसके कंट्रोल में आते हैं, नेशन के. यू माइट हैव सीन दैट रोड्स, कैनाल्स, रेलवे, कि आपका एक खेत है, आपका एक फार्म हाउस है, उसके किनारे एक रेलवे लाइन जा रही है, तो ये आर कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन वो नेशनल रिसोर्स है. प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है, ये एक गवर्नमेंट का होता है, ये नेशनल रिसोर्स होता है आपका. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के हाथ में ये पावर होती है कि वो एक्वायर कर सकता है लैंड को. ऑल द मिनरल्स लाइक योर वाटर रिसोर्सेज, लाइक योर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री. पॉलिटिकल बाउंड्री मीन्स लैंड विद द पॉलिटिकल बाउंड्री. उत्तर प्रदेश अगर हरियाणा से जुड़ता है तो उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार दोनों का तो उसमें रोल है, लेकिन वो कंट्रोल उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है, क्योंकि आपकी इसमें आती हैं स्टेट बॉर्डर्स में. फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग. ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल, ये आपके लिए नया वर्ड है. 12 नॉटिकल माइल्स मतलब होता है कि जैसे आप कहते हैं कि सहारनपुर से दिल्ली नियर अबाउट 400 किलोमीटर दूर है, तो वो जो किलोमीटर आपने नापा वो सड़क के ऊपर लैंड का मेजरमेंट है, लैंड पर. लेकिन वाटर में जो मेजरमेंट करना है तो उसके लिए नॉटिकल माइल्स का यूज़ होता है. 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 22.2 किलोमीटर. फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन. सपोज कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, यमुना एंड मैनी अदर रिवर्स जो आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट से कनेक्ट होती हैं, उन पे सब पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का. इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दिस इज़ द वर्ल्ड वाइड. देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक योर WHO एंड UNO रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्सेज को वो रेगुलेट करती हैं, लाइक इंडियन ओशन. आप कहते हैं इंडिया के, भारत के दक्षिण में आपका इंडियन ओशन है,
लेकिन क्या वो इंडियन ओशन सिर्फ इंडिया का है? नहीं, उसके साथ जितनी भी कंट्रीज़ उसका वाटर शेयर करती हैं उसमें उन कंट्रीज़ का भी उतना ही रोल होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख सकती है। ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कि कोई भी एक कंट्री कहे कि पैसिफिक ओशन अगर आपका नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट होता है या इधर आपका एशिया से कनेक्ट होता है या आपका इंडियन ओशन अफ्रीकन कंट्री से कनेक्ट होता है इधर से ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट होता है तो सिर्फ इंडिया का ही उस पर कंट्रोल है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर कंट्री नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के मर्जी के बिना या उनकी को करेंस के बिना उस ओशन को इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, सो वंस अगेन देर आर द ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, योर नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अंडरलाइन द डू यू नो, ऑल द डू यू नोज वी विल डू, हम अपनी कॉपी में करेंगे वाइट प्लेन पेपर पर जैसे हम 9th क्लास में करते आए हैं। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैगनीज नोड्यूल फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो इंडिया ने जो आपका इंडियन ओशन है वहाँ से मैगनीज के कुछ नोड्यूल्स निकाले हैं इंडियन ओशन से, इट मीन्स वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी परमिशन से ही निकाले हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड द डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस कि उनका क्या स्टेटस है आपके आपके इन्वायरमेंट में, कितने रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एंड द डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, हमने 8th क्लास में 2 वर्ड्स पढ़े थे पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल विच रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन है तो हमारे पास बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, अभी तक हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर इंडिया दैट पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात अंडरलाइन हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड सोलर एनर्जी। बहुत मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी था कि वहाँ पर विंड इतनी हवाएँ चलती हैं और सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी वहाँ पर टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं। सो द नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो डेवलप हो चुके हैं रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड जिनको सर्वे किया गया, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक किया गया और उसको यूटिलाइज किया गया। वन एग्जाम्पल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ योर कंट्री वी हैव अबंडेंट सोर्सेज ऑफ द आयरन एंड द कोल, यू कैन राइट द एग्जाम्पल देयर आयरन एंड द कोल, तो पीपल आर यूटिलाइजिंग दैट, वी नो कि वहाँ पर इतने रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं और हम उसके ऊपर डिपेंड हैं बिकॉज हमने उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी डेवलप कर लिया है और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टॉक, आपके पास कितना स्टॉक है, आपने वर्ड सुना होगा कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो दैट इज़ अ स्टॉक कि हमारे पास इतना स्टॉक तो है लेकिन अभी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल, वो पोटेंशियल है ह्यूमन बींग की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, बट ह्यूमन बींग के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ वाटर इज़ अ कंपाउंड फॉर 2 गैसेज, 2 गैसेज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव द एडवांस टेक्नोलॉजी दैट इज़ टेक्निकल नो हाउ टू यूज़, कि आप H2O, आपको पता है वाटर का जो कॉम्पोनेंट है दैट इज़ द केमिकल फॉर्मूला H2O, सो हमारे पास हाइड्रोजन है जबकि हमारे को पता है कि हमारा पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उस हाइड्रोजन को किस तरह से एक एनर्जी रिसोर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इट कैन बी कंसिडर्ड अ स्टॉक कि वी हैव द स्टॉक, इतना स्टॉक तो है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट। इज इट क्लियर क्लास? सो वंस आई एम रिपीटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट देर आर द 3 types ऑफ रिसोर्सेज, पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्सेज एंड स्टॉक। सो दिस इज़ द सेशन क्लास, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन द यूट्यूब और आई विल शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।